आसानी से अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। काफ़ी लोग बिजनेसमैन जब मैं कोचिंग करता हूं ना लोगों को, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमको समय नहीं मिलता है, बिजनेस ठंडा हो गया है, कॉम्पिटिशन बहुत है, पैसा मिलता नहीं है, पैसा वसूल नहीं होता है, लोग उधार मांगते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्शंस लोग डालते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। अभी मैं उससे बात करने वाला हूँ कि बिजनेस में कंपटीशन है नहीं, बिजनेस आसानी से ग्रो हो सकता है, मगर होता क्यों नहीं, इसके बारे में बातचीत करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ, बिजनेस कोच हूँ, सेमिनार लीडर हूँ और पिछले 41 साल से लोगों के जीवन में फर्क डालते आ रहा हूँ। काफ़ी बिजनेसमैन को मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, कम से कम 10,000 ऐसे लोग होंगे कि जिनको 41 साल में पिछले मैंने उनके बिजनेस खड़े करने में हाथ लगाया हुआ है, हाथ दिया हुआ है। तो आइए बातचीत करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमको बिजनेस बढ़ाने का है, मगर बिजनेस बढ़ाने का है मुझे लगता है कि ये पैरटिंग हो गया, मतलब तोता जैसा बोलता है ना, पैरटिंग करता है वैसा, मतलब हाँ बिजनेस बढ़ाने का है। एक्चुअली उनका माइंडसेट ही नहीं है लोगों को बिजनेस बढ़ाने का, या लोगों का माइंडसेट नहीं उनका बिजनेस बढ़ जाएगा ऐसा। हाँ मुझसे बोलते हैं हाँ बिजनेस बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ता नहीं है, मगर एक्चुअली कमिटमेंट है क्या, एक्चुअली दिमाग में है क्या कि नहीं नहीं मेरे को तो बिजनेस बढ़ाने का ही है, नो मैटर व्हाट, मुझे तो वो करना ही करना है, चलेगा नहीं उसके सिवाय मैं चलाऊंगा नहीं। आग लगी है क्या, तो वैसी आग लगाई नहीं रहती है। हाँ बढ़ना चाहिए, होना चाहिए, मतलब चाहिए, शुड, तो लोग शुड में जी रहे हैं। डर है लोगों को, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ लूजिंग मनी है, फिर कंफर्ट जोन है, आराम से जिंदगी बिताना है, चल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा है कि ठीक है हम तो बहुत लालची नहीं है, मगर बाजू में किसी की यदि मर्सिडीज चली गई बाजू से, तो फिर उनको पेट दर्द करता है कि मेरे पास में मर्सिडीज नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। खुश नहीं है लोग बिजनेस नहीं कर, मगर चलना चाहिए ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता रहता है। हाँ ऑटोमेटिक चलेगा, और वो कैसा मैं आपको बताऊँगा। तो पहला जरूरी है, फर्स्ट थिंग, कि वो माइंडसेट आपका ग्रोथ का माइंडसेट है क्या। नंबर दो, क्या आपके गोल्स क्लियर है क्या, कि हमको करना क्या है डेफिनेटली, क्या हमको रेवेन्यू बढ़ाने का है क्या, क्या हमको प्रॉफिट बढ़ाने का है क्या, क्या मुझे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी है, अच्छा क्या मुझे बिजनेस से फ्रीडम पाना है, क्या मुझे टाइम फ्रीडम लेना है, क्या मुझे एक ही जगह बैठ के गल्ले पे बैठ के धंधा बढ़ाने का है, जो भी है अपना क्लियर गोल्स होना चाहिए। हाँ रुपीज़ में मुझे कितना प्रॉफिट कमाने का है, माल कितना बेचूंगा मैं, टर्नओवर, रेवेन्यू ये हिसाब से कितना करना, मतलब ये सब गोल्स आपके लिखे हुए होना जरूरी है। गोल्स लिखे नहीं तो कुछ होगा नहीं, तो गोल्स बहुत ही जरूरी है। फिर नंबर तीन आता है कि भाई फिर आपकी स्ट्रेटेजी है क्या ये सब करने के लिए, प्लान है क्या। मैं एकदम बोलते रहता हूँ कि प्लान योर वर्क, स्ट्रेटेजी तैयार करो, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान। देखो गूगल मैप रहता है तो गूगल मैप तभी काम करता है कि जब आप डेस्टिनेशन डालोगे, गूगल मैप खोलोगे तो डेस्टिनेशन लोकेशन अपना खुद का डालना पड़ता है कि भाई आप कहाँ खड़े हो और जाना कहाँ है, और फिर वो मैप देगा कि आप ऐसे 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 इस तरह से जाओ, तो उसका प्लान देता है गूगल। तो ये सब जरूरी है ना, गूगल आपने गूगल मैप खोल लिया और डाला ही नहीं डेस्टिनेशन, तो फिर आप कहाँ जाओगे, कुछ भी नहीं। तो वैसा हमको यदि बिजनेस बढ़ाने का है तो डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, मतलब गोल्स, उसके साथ साथ फिर अपना अपनी स्ट्रेटेजी तैयार हो जाएगी, अपना प्लान तैयार हो जाएगा, आपका नक्शा तैयार हो जाएगा कि जाना कैसे है। सो प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान, ये संभव है। फिर आता है नेक्स्ट डीएसपी, डीएसपी मतलब डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। तो डी मतलब होता है डेटा, कि जो आपके पास में है क्या पूरा, तो लोगों के पास में डेटा नहीं रहता है, डेटा की धज्जी उड़ाई रहती है लोगों ने, कोई डेटा नहीं लोगों के पास में स्टोर किया हुआ। एस मतलब सिस्टम, लोगों के पास में है क्या, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है क्या, एस मतलब, और पी मतलब पीपल एक्सलेंस है क्या, लोग अच्छे हैं कि नहीं, डीएसपी। सिस्टम का मैं बात करूँगा तो सिस्टम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। सिस्टम मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो काम आपको करना है वो काम कैसे करना है, उसका मैनुअल, मतलब समझो आपको चाय करना है तो चाय करना है काम हो गया कि चाय बनाना है, मगर चार कैसे बनाना है चाय, उसका मैनुअल, उसको बोलते हैं एसओपीज, कि पहले गैस लगाना है, बर्तन रखने का है, पानी डालने का है, आधा कप पानी आधा कप दूध डालना है या पूरा दूध डालने का है, फिर शक्कर डालना है, कितनी चम्मच शक्कर डालना है, चाय पत्ती कितनी डालना है, इलायची डालना है, अदरक डालना है, जो भी
कितना समय तक उबालना है, फिर छानना है, कप में देना है, चाय की प्रोसीजर है। और इसलिए चाय की जो फ्रेंचाइजी है ना, चाय की फ्रेंचाइजी लोग देते हैं, हमारे यहाँ भी चाय की फ्रेंचाइजी है, तो जो चाय पूना में बनती है वही चाय वैसी टेस्ट अकोला में है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो वो सिस्टम होना जरूरी है और उसमें SOPs बनना जरूरी है, और वो लोगों की रहती नहीं है। सिस्टम से क्या होता है कि सिस्टम से रिपीटेबल होता है बिजनेस, आप बिजनेस को रिपीट कर सकते हैं। मतलब वही सिस्टम आपने और जगह लगाई तो वहाँ भी धंधा चलेगा, वही सिस्टम तीसरी जगह लगाए तो वहाँ भी चलेगा। मतलब फिर आप अलग अलग फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं, और आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहाँ लिखी हुई है। तो सिस्टम जो है वो कैसे लगाना, कैसे इस्तेमाल करना, ये भी लोगों को मालूम नहीं। बिजनेसमैन को सिस्टम तैयार कैसे करना मालूम ही नहीं। अच्छा, लोगों को काम कैसे करना है मालूम नहीं है। आपके पास में जो काम करते हो, आपके पास में सिस्टम नहीं है, फिर आपको वहाँ लगे रहना पड़ता है, आपको वहाँ बैठना पड़ता है और लोगों को सिखाना पड़ता है। तो आप लोगों को सिखाते रहते तो आप बिजी हो गए, हर बात पे आपको लोग पूछने आते हैं, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ऐसा करना क्या, वैसे करना क्या, सिस्टम ही नहीं है। गल्ले पे आप बैठे हुए हैं, चेक पर आप साइन कर रहे हैं, वो नल टूटा फूटा है तो वहाँ आप जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और AC चल नहीं रहा है तो वहाँ भी आप ही कूद रहे और देख रहे कि टेक्नीशियन कैसा लाऊं। टेक्नीशियन आपके पास में सिस्टम ही नहीं है। एक्चुअली यदि आप वो उसमें बिजी हो गए तो फिर जो बिजनेसमैन का काम है, बिजनेसमैन का काम है सोचना, मार्केटिंग करना, थिंकिंग, सोच, बड़ी सोच करना, उसको टाइम ही नहीं, क्योंकि तो बिजनेस बिजी 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 है। बिजनेसमैन के पास में सिस्टम बनाने की स्किल ही नहीं है। सिस्टम बनाने कैसी है, स्किल नहीं है। और जब सिस्टम नहीं है तो फिर होता क्या है, बिजनेसमैन अंदर कूदता है हर बार, और फिर वो ऑपरेशंस में है, ग्रोथ के नाम का दही हो गया है पूरा, डेवलपमेंट बिल्कुल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बिजी, उसको टाइम ही नहीं है ग्रोथ करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। यदि आपके पास में सिस्टम है तो एकदम कम से कम कौशल्य वाला आदमी, 10वीं फेल आदमी भी काम अच्छा कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो काम कैसे करना। डोमिनोज पिज़्ज़ा अमेरिका में जो ऐसा बनता है, वैसी टेस्ट हमारे अकोला में डोमिनोज पिज़्ज़ा की है, और डोमिनोज पिज़्ज़ा अकोला में जो बनाता है वो 10वीं फेल लड़का होगा या है। क्यों? उसके पास में लिखा हुआ है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा कैसे बनाना। वह मालिक की जरूरत नहीं है, मालिक अमेरिका में बैठा हुआ है। तो लोग जो है वो कम स्किल वाले भी काम कर सकते हैं। जब सिस्टम है तो आपको डिसीजन लेने की वहाँ ज़रूरत नहीं, डिसीजन हटा दिया जाता है, क्योंकि वो सब डिसीजन वहीं लिखे हुए हैं, काम में लिखे, करना क्या है। सिस्टम आपके पास में है तो कॉम्पिटिशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सामने कोई किसी ने दुकान डाल भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपके पास में सिस्टम है, आपका धंधा चलता ही रहेगा। उसके पास में सिस्टम नहीं, सामने वाले के पास में वो बैठ जाएगा। आदमी आया क्या और गया क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नया आदमी भी आया तभी वो सिस्टम से काम करेगा। आज क्या हो रहा है, आज आपके पास में जो आदमी है वो पुराने पुराने हैं, 5 साल से, 8 साल से है, 10 साल से है, उनको काम आता है और वो बदतमीजी करते हैं, लेट आएंगे, एरोगेंट बिहेवियर करेंगे, ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे, और आप उनको निकालेंगे नहीं, सब कुछ टॉलरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि समझो ये चले गया तो मैं क्या करूँ, मुझे नया आदमी लाना पड़ेगा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो जो चल रहा है वो चलने दो, उसका नॉनसेंस मैं टॉलरेट करता हूँ। तो प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम बनाने की, कि आप सिस्टम नहीं बनाते हो, सिस्टम बनाने की प्रॉब्लम है। और सिस्टम आपके पास में नहीं है, आपको सिस्टम बनाना आता नहीं है, आपको मालूम है धंधा कैसे करना, तो धंधा जो है वो करने के लिए सपोर्ट में और सर्विस में ही आपका समय जा रहा है, मैक्सिमम समय। फिर आपके पास में टाइम नहीं है, टाइम फ्रीडम बिल्कुल ही नहीं है, और मार्केटिंग सेल्स उसमें आपका समय जाना चाहिए वो जाता नहीं है। वैसे ही मार्केटिंग की सिस्टम नहीं है, सेल्स की सिस्टम नहीं है, सिस्टम का पूरा बैंड बच चुका है, मार्केटिंग का कोई प्लान नहीं है, सेल्स प्रोसेस कैसे करना उसका प्लान नहीं है, उसके भी सिस्टम लगेंगे ना कि करना कैसे है। तो बिजनेसमैन हर जगह कूदता है, खुद करता है, खुद करता है, खुद करता है। मतलब एक ऑर्केस्ट्रा है तो ऑर्केस्ट्रा में टीम रहती है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, वो ऑर्केस्ट्रा में जो बिजनेसमैन है, मतलब जो प्रमुख है ऑर्केस्ट्रा का, वही टिकट बेच रहा है, वही भी पर्दा ऊपर कर रहा है, वही अपने सब इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वही गाना गा रहा है और वही डांस कर रहा है। एक उदाहरण देने का है तो एक ऑर्केस्ट्रा है, वो ऑर्केस्ट्रा का जो प्रमुख है वो बाहर टिकट भी बेच रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, पर्दा भी ऊपर कर रहा है, घंटी बजा रहा है,
इंस्ट्रूमेंट वही बजा रहा है, गाना भी वही गा रहा है, डांस भी वही कर रहा है, कैसे कहूँगा ऑर्केस्ट्रा, यह सब बिजनेस मैन ही कर रहा है। समझो कस्टमर आता भी है, अभी डेटा स्टोर की सिस्टम नहीं है, डेटा स्टोर ही नहीं होता। ऐसा बोला जाता है कि डेटा जो है वो पेट्रोल से भी बहुत महंगा है, डेटा की पूरी धज्जियाँ उड़ गई है। फिर धंधा होता कैसे, लोगों का धंधा बढ़ नहीं रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। फिर धंधा बढ़ता कैसा है लोगों का? बढ़ता इसलिए कि वो अच्छी सर्विस देते हैं, और सर्विस अच्छी देते हैं, सपोर्ट अच्छा है, तो फिर रेफरल जो है माउथ टू माउथ, कस्टमर टू कस्टमर, वो होता है, या फिर वो रिपीट परचेस करने के लिए आता है। सो सर रिपीट में आता है या माउथ टू माउथ में आता है कस्टमर, तो वो लिमिटेड है, वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता है, उसे धंधा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मार्केटिंग और सर्विस से धंधा बढ़ता है। तो होता क्या है कि बी की ताकत यदि मार्केटिंग और सेल्स में लग गई तो वो बिजनेस में आग लगा देगा, बिजनेस कहीं का कहीं चले जाएगा ऊपर। मगर बिजनेसमैन की बुद्धि, उसका एटीट्यूड, उसकी ताकत, उसका नोहाउ, उसकी स्किल, सब कहाँ खर्च हो रही है? पूरी खर्च हो रही है वो ऑपरेशंस में और सपोर्ट में। सपोर्ट मतलब पर्दे के पीछे, ऑपरेशन मतलब एक्चुअली सर्विस देना, वहाँ खर्च। कहाँ जाना चाहिए एक्चुअली बुद्धि, उसकी ताकत कहाँ जाना चाहिए? ग्रोथ में जाना चाहिए, मार्केटिंग में जाना है, वहाँ नहीं जाएंगे। और फिर ऑपरेशंस में मतलब जो सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस मतलब समझो एक अगर होटल है, एक होटल रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में बिजनेसमैन वहाँ खड़ा है कि भाई कुकिंग बराबर चल रहा है कि नहीं, वो जो शेफ है वो बराबर माल तैयार कर रहा है कि नहीं, जो कस्टमर है उनको खाना खिला रहे हैं कि नहीं, मतलब उसमें वहाँ खड़े रहेंगे चालू रखेंगे वो सब हो रहा है कि नहीं बराबर, जिसका मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन बराबर हो रहा है कि नहीं, पैकिंग बराबर हो रहा है कि नहीं, माल बाहर जा रहा है कि नहीं, ट्रक लोड हो रहा है कि नहीं, पैसे आ रहा है कि नहीं, उसमें सब जाएगा टाइम। एक आधा प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल खुद काम करेगा और उसमें उसका टाइम जा रहा है, ऑपरेशंस में मार्केटिंग होती नहीं है। तो ऑपरेशंस में बिजनेसमैन कूद पड़ता है बार 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 बार, और वो पूरा उसमें बिजी रहता है सुबह से रात तक। तो फिर बिजनेस नहीं बढ़ने का रूट कॉज क्या है, मूल कारण वो है सिस्टम नहीं होना। और सिस्टम नहीं होने का मूल कारण क्या है, सिस्टम तैयार करने की स्किल नहीं है। स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो फैमिली बिजनेस है, पिताजी से बिजनेस लिया हुआ है, उन्होंने पुराने तरीके से बिजनेस किया है, ये भी वैसे बिजनेस कर रहा है, या फिर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, पहली बार बिजनेस चालू कर रहा है, कहीं से तभी थोड़ा सीख के आ गया, डिग्री ले लिया, बिजनेस चालू कर दिया, अब उसके पास में स्किल सेट नहीं है सिस्टम बनाने का, मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑपरेशंस का, कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसा उसको मालूम है वैसा वो कर रहा है, तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं उसको बिजनेस चलाने का, तो कैसे क्या बिजनेस ग्रो होगा? स्किल नहीं होना, सिस्टम तैयार करने का स्किल नहीं रहना, इसलिए बिजनेसमैन के ड्रीम्स अधूरे होते हैं। पैसा लगाते हैं, पैसा जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। फाइनेंस मैनेजमेंट की सिस्टम नहीं है, एचआर की सिस्टम नहीं है। एचआर का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर नहीं तो उसका क्या काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है कि लोगों को हायर करना, लोगों को फायर करना, लोगों को ट्रेनिंग देना बार 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 बार, हायरिंग ट्रेनिंग फायरिंग, उनका समझो सैलरी है, उनके प्रॉब्लम्स है, वो सब सॉल्व करना, सब बिजनेसमैन के पास में आते लोग। छुट्टी भी चाहिए तो आ रहा बिजनेस मालिक के पास में, सर मेरे को छुट्टी चाहिए कल, तबियत ठीक नहीं तो आएगा मेरी तबियत ठीक नहीं। फिर किसको लोन चाहिए तो बोलेंगे मुझे 1000 रुपये का लोन चाहिए, अभी ज़रूरत है 1000 रुपये चाहिए, पूरा डूब गया बिजनेसमैन उसमें, रोजमर्रा के जो काम है उसमें डेली, तो लोगों को वही मैनेज कर रहा है, फाइनेंस भी वही मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन भी वही देख रहा है, तो इसमें पूरा डूबा हुआ है अखंड, यहाँ तक सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है। हायरिंग एंड ट्रेनिंग सबसे टॉप स्किल है जो एचआर का काम है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है जो वेल ट्रेंड है वही काम अच्छा कर सकता है। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मुझे आता है, मैं लोगों को हायर करूँगा, मैं ट्रेन करूँगा, अरे भाई तेरा काम नहीं वो, बिजनेसमैन का काम नहीं, बिजनेसमैन का काम है वो किससे तो भी करवा के लेना। तो बिजनेसमैन के पास में क्या चाहिए, मैप चाहिए, और मैप कहाँ का चाहिए, मैप इसलिए चाहिए कि गोल्स कहाँ जाना है वो, और सब स्टेप्स जो है वो बराबर एक के बाद एक करेंगे तो आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा। जैसे मैंने बताया कि चाय की प्रोसीजर है, चाय बनाने की, यदि आपने उसमें कुछ तभी गड़बड़ कर दिया तो चाय का स्वाद निकल जाएगा, चाय का स्वाद नहीं आएगा। देखो ना, चाय में समझो
आपने पहले अदरक डाल दिया पानी में तो हो सकता है कि चाय का स्वाद अलग हो जाएगा, और दूध डालने के बाद में अदरक डालता अलग स्वाद हो जाएगा। कितनी शक्कर डालना, कितनी चम्मच चाय पत्ती डालना, कितना उबालना, सब स्टेप्स है और कितना है वो भी लिखा हुआ है। अब उसमें आपने मिर्ची के पाउडर डाल दिया तो चाय बनेगी? बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसा कुछ कर देते हो और फिर बिजनेस में गड़बड़ हो जाती है। तो मैनेजमेंट सिस्टम, पीपल, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये पांच चीज़ें जो है वो बिजनेसमैन को चैम्पियन बना देगी। इसमें चैम्पियन मतलब बिजनेसमैन करता है तो चैम्पियन बन जाएगा। कौन सी? मैनेजमेंट सिस्टम, पीपल, सेल्स, मार्केटिंग। तो फिर ये यदि पांच चीज़ें वो करता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। अब देखिए, ग्रोथ जब है तो ग्रोथ का क्या काम है? ग्रोथ का काम मतलब ग्रोथ में क्या क्या इंक्लूड होता है? ग्रोथ में होता है मार्केटिंग और सेल्स। अच्छा, मार्केटिंग से क्या होता है? मार्केटिंग से लीड्स आती है, इंक्वायरीज आती है जब आप मार्केटिंग करते हो, तो लीड्स लाना ये मार्केटिंग का काम है। और सेल्स का क्या क्या है कि जो लीड आई हुई है, जो इंक्वायरी आई हुई है, उसको माल बेचना और रोकड़ा जमा करना, मनी जमा करना, मतलब एक्चुअली पैसा जमा वहाँ होता है, सेल्स आदमी करता है। तो सिस्टम जब है तो सिस्टम से टास्क जो है वो कैसे प्लान करना, वो सिस्टम में आता है कि अलग अलग टास्क है उसका प्लानिंग कैसे करना है, टास्क और सब टास्क। पीपल जो है काम करने वाले, उनको डेलीगेट कैसे करना और डेलीगेशन करके काम कैसे कर लेना, वो एक आर्ट है, वो एक कला है, आर्ट ऑफ डेलीगेशन, वो हमारा अलग वर्कशॉप होता है। कम से कम समय में टाइम में लोगों से काम कैसे करना, वो टाइम मैनेजमेंट, वो एक अलग वर्कशॉप है कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना और टाइम में कैसा काम करवा लेना। लोग बोलते हैं हमको सब मालूम है, मालूम हो के कुछ फ़ायदा होता है? नोइंग डजेंट मेक एनी डिफरेंस। मालूम हो के कुछ फ़ायदा होता नहीं है। अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। सिस्टम बनाने का स्किल ही नहीं है और उसके लिए आपको लेना पड़ेगा कोचिंग, पर्सनल कोचिंग, व्यक्तिगत कोचिंग। हो सकता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर, रिटेलर, होलसेलर, रेस्टोरेंट ओनर, आपका लॉजिंग होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, जो भी कुछ है, तो आपको वो बढ़ाने के लिए चाहिए स्ट्रेटेजीज एंड फ्रेमवर्क। जो स्किल आपके पास में नहीं है, और उसके लिए कोचिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हम हमारे वर्कशॉप्स में लोगों को सिखाते हैं कि ये सिस्टम कैसे बनाना, हैंड होल्डिंग करते हैं, पर्सनल कोचिंग करते हैं, सिस्टम बना के देते हैं। और जब सिस्टम बनाते हैं आप, तो आपकी वहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। बिजनेसमैन को अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेसमैन को बिजनेस में अंदर रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है यदि उसको ग्रोथ करना है। तो बिजनेसमैन यदि बिजनेस के अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, तो वो ग्रोथ करेगा, मार्केटिंग करेगा, सेल्स करेगा, विचार करेगा, बिजनेस नेचुरली बढ़ता जाएगा। तो इसके बारे में आपने कोचिंग लेना है, कोचिंग ले तो बहुत ही अच्छा है। आपको वीडियो अच्छा लगा था जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो, क्योंकि मैं बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ, बिजनेस के वर्कशॉप्स लेता हूँ। नीचे हमने लिंक दी हुई है, उसके ऊपर आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। हमारा यंग इंडिया बिजनेस क्लब है, जिसमें हम लोगों को ऑनलाइन वर्कशॉप्स देते हैं, सिखाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस सिखा के कोचिंग करके अपना अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना वो सिखाते हैं। सो ये ऑनलाइन यंग इंडिया बिजनेस क्लब है, जिसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं और आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।